सरायढेला थाना क्षेत्र के जिम्स हॉस्पिटल में छरिया की रहने वाली रुखसाना खातून नामक महिला की मौत। परिजनों ने इलाज में लगाया लापरवाही का आरोप। रात में 9 बजे यहाँ पे एडमिट कराए गए। एडमिट कराने के बाद पेशेंट बहुत अच्छा था, उस तरह पता नहीं पेशेंट चूँकि हड्डी टूटी हुई। डॉक्टर राणा है यहाँ, इंजेक्शन वगैरह लगाया, पानी वगैरह चढ़ाया, उसके बाद वो चले ले गए तो पेशेंट उसके बाद बिगड़ने लगी। बार बार तड़पने के बाद भी जब यहाँ कर्मचारियों को कहा गया कि डॉक्टर को बुलाइए, पेशेंट का हालत खराब है, हमारे इतनी लापरवाही यहाँ के कर्मचारी से लोगों पर इतनी लापरवाही हुई, पेशेंट जो है तड़प तड़प से मौत हो गई, मगर यहाँ कोई देख रेख नहीं। ये सिर्फ ये प्राइवेट हॉस्पिटल आए दिन बाद में देखने को मिल रहा है, केवल पैसा लूट रहे हैं गरीबों से इलाज के नाम पर, वो लापरवाही की रुखसाना का क्या करिया पिटू बांध भारत। तभी आप लोग प्राथमिकी भी दर्ज करवा रहे हैं? हाँ, इसको प्राथमिकी दर्ज करवा रहे हैं हॉस्पिटल के खिलाफ। हॉस्पिटल के खिलाफ हॉस्पिटल क्या कह रहे हैं? अभी वार्ता हुई क्या कुछ? वार्ता में क्या कुछ वार्ता हुई? अभी थाना लोग आए थे, वही लिखित लिखित मांगे हो, लिखित दिया जा रहा है। लिखित आप लोग दे रहे हैं? दिया जा रहा है, और जो भी लापरवाह है इस पर निश्चित रूप से वैसे लोग पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर की तरफ से क्या कहा जा रहा है? डॉक्टर आए नहीं हैं, डॉक्टर सामने आ नहीं रहे हैं। यहाँ एक मरीज को लाया गया था कल दिनांक 30/8/2018 को समय करीब 9:30 बजे झरिया की पेशेंट थे, जो बाएँ कमर में दर्द सर था, हड्डी शायद टूट गया था, बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल में लाया गया था। और होता है भी है यहाँ अच्छा बेहतर इलाज होता है, लेकिन अब क्या कारण था इस वक्त में यहाँ लाया गया था, उस वक्त में डॉक्टर यहाँ पर थे विकास राणा, और जो भी नर्स वगैरह यहाँ थी तो उनका जो है कि प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ था, तो सुई वगैरह यहाँ दिया गया। सुई देने के बाद में जो कि उनका जो है कि होता है ना प्रेशर बढ़ गया था, प्रेशर बढ़ने के कारण फिर जो कि उनको कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो पेशेंट के जो व्यक्ति अपने नज़दीकी संबंधी थे वो बताया कि आप मतलब सीनियर डॉक्टर को बुलाइए, लेकिन सीनियर डॉक्टर को नहीं लोग बुलाए, जिसके कारण से करीब 1 बजे रात से लेकर 4 बजे सुबह तक वो लोग कोई आए नहीं, और उनको ब्लड हर जगह से निकलना स्टार्ट हो गया, मतलब बाथरूम नहीं हो रहा था। और बाथरूम जब उनको इलाज के लिए डॉक्टर कंपाउंडर को बुलाया गया, तो उस वक्त उनको बाथरूम के जगह उनको जो कि ब्लड आ रहा था, फिर ब्लड आने के कारण जो कि उनको बताया गया कि सीनियर डॉक्टर को बुलाइए, लेकिन सीनियर डॉक्टर को फिर लापरवाही से मतलब बुलाए नहीं, जो विकास राणा बुलाए नहीं, नर्स भी नहीं बुलाई, जो भी नर्स का नाम अभी मेरे पास नहीं आया है, नाम पता नोट कर लूँगी, नहीं होने के कारण जो कि डॉक्टर साहब भी आए नहीं, और तड़पते हुए उनकी मृत्यु हो गई। जो सूचना हमको आज दिनांक इतना मतलब 31/8 को प्राप्त हुई सुबह करीब 7 बजे, मैं यहाँ पर आई हूँ और मैं उन लोगों का बयान ली हूँ डॉक्टर साहब का। जो उनके व्यक्ति हैं उनका नाम है कमाल खान, उनके भाई लड़की के जो भाई कमाल खान, उन्होंने बताया है कि मेरी बहन की मृत्यु हो गई इन लोगों के लापरवाही के कारण। प्राथमिकी भी दर्ज कीजिए। हाँ, इनका जो प्रोसेस है और हम लोग का जो प्रोसेस, ये लोग चाहेंगे कि प्राथमिकी दर्ज कराएंगे तो प्राथमिकी दर्ज होगी। अभी सब फरार है, डॉक्टर नर्स सब फरार है? फरार नहीं है, वो लोग अपने अपने ड्यूटी से मतलब भय के कारण जो भी हो वो चले गए हैं, जिनका मैं नाम पता नोट कर ली हूँ, ठीक ना। और जो प्रोसेस होगी आगे की कार्रवाई की होगी, मैं इन लोगों को सहायता करूँगी, इन लोगों को भी मैं उम्मीद दिला के जा रही हूँ कि आपको इंसाफ मिलेगी।